21वीं सदी चल रही है और आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी तो है जो हमें किसी पुराने जीवों के अवशेषों से उसकी शारीरिक विशेषताओं के बारे में बता सकती है। विशेषज्ञों और खोजकर्ताओं ने दुनिया के उन सबसे खतरनाक जानवरों को ढूंढ निकाला है जिनके सामने आज के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवर भी कुछ नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर की। अब तक लगभग 700 डायनासोर की प्रजातियां खोजी जा चुकी है जिनमें एक छोटे डायनासोर से लेकर एक बिल्डिंग के बराबर के डायनासोर भी शामिल है और वो इतने खतरनाक और ताकतवर थे कि इंसानों को चींटी की तरह मसल दे। लेकिन उन सभी डायनासोर में कुछ डायनासोर सबसे खतरनाक, ताकतवर और तगड़े थे, तो चलिए उन डायनासोर के बारे में चर्चा करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है जुरासिक वर्ल्ड की वजह से। उसी की वजह से हमें इन जानवरों को देखने का मौका मिला है, तो आज का स्पेशल थैंक्स जुरासिक वर्ल्ड को जाता है। नंबर 15, स्टाइगिमोलॉज। ये डायनासोर आमतौर पर आक्रामक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टाइगिमोलॉज काफ़ी खतरनाक डायनासोर होता है। जब इसे गुस्सा आता है तो ये अपने खतरनाक मजबूत सिर से बहुत तेज़ी से दुश्मन पर हमला करते हैं। उस हमले से काफ़ी ज़्यादा भयंकर चोटें दुश्मन को आ सकती है। स्टाइगिमोलॉज पचिसेफलोसोरस का करीबी रिश्तेदार हो सकता है क्योंकि इसकी शारीरिक विशेषताएं और खान पान काफ़ी एक जैसा था। और हाँ, ये ज़्यादा बड़ा डायनासोर नहीं था। इसकी ऊंचाई लगभग 100 सेंटीमीटर और वज़न लगभग 90 किलो तक होता था। और सबसे खास बात, ये घास फूस पत्तियाँ खाने वाले डायनासोर थे। नंबर 14, कॉम्सोगांथस। ये डायनासोर काफ़ी छोटा था पर यह काफ़ी खतरनाक था। इसकी लंबाई लगभग 150 सेंटीमीटर और वज़न लगभग 3 किलो तक होता था। इसकी सबसे खतरनाक बात ये थी कि ये काफ़ी तेज थे, चूहे की तरह तेज़ी से काटते थे और लगभग 65 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। ये एक मांसाहारी डायनासोर था। छोटे जीवों का ये काफ़ी ज़्यादा शिकार करते थे और किसी इंसान के बराबर के जीव को भी ये मार गिराते थे क्योंकि ये झुंड में रहते थे। और हाँ, ये दुनिया का सबसे छोटा डायनासोर नहीं है क्योंकि शायद सबसे छोटा डायनासोर शायद किसी चट्टान के नीचे अभी भी छिपा हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी छोटा है ना, इसलिए। नंबर 13, डिलोफोसोरस। 6 फीट ऊंचाई और लगभग 400 किलो का डिलोफोसोरस लगभग 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था और सबूतों के हिसाब से डिलोफोसोरस की लार जहरीली होती थी जो किसी भी जीव को कुछ देर के लिए पैरालाइज बना देती थी। इसके गले के चारों तरफ जो ये झालर जैसे पंख जैसे कुछ है, इन्हें ये अपने आप को ठंडा करने में मदद करते थे। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि ये डायनासोर गर्म खून वाले जानवरों का ज़्यादा शिकार करता था। वैसे ये वाला डायनासोर दिखने में भी काफ़ी खतरनाक लगते हैं। और हाँ, आपने इनके तेज़ नुकीले दांत तो देखे ही नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि ये खतरनाक थे? नंबर 12, टेरानोडॉन। हो सकता है कि ये डायनासोर आसमान का डॉन हो। वैसे भी ये काफ़ी बड़ा डायनो था। इसके पंखों का फैलाव लगभग 7 मीटर और वज़न लगभग 50 किलो तक था। इसके पास दांत नहीं थे पर इसके पास तेज़ मजबूत चोंच थी। और हाँ, इसके पास काफ़ी तेज़ पंजे भी थे। दरअसल टेरानोडॉन कोई डायनासोर नहीं था, ये एक टेरोसोर था जो उस ज़माने में इन डायनासोर के साथ रहता था और फिर उन्हीं के साथ साथ इनका भी खात्मा हो गया। ये पक्षी जैसे थे पर रेप्टाइल्स की तरह थे। और हाँ, ये मुख्यतः उस ज़माने की मछलियों का लुत्फ़ उठाते थे। मछलियाँ उनका मुख्य खाना था। नंबर 11, ट्राइसेराटॉप्स। दिखने में तो ये एक गेंडे के जैसा था पर ये गेंडे से काफ़ी ज़्यादा अलग भी था। इसकी ऊंचाई 3 मीटर और वज़न लगभग 12,000 किलो तक होता था। ये डायनासोर सिर्फ पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ खाता था। छोटी उम्र में ये कभी कभी कीड़े खा लेते थे। वैसे तो ये डायनो काफ़ी शांत रहता है पर आपको तो पता है ना, शांत जानवर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। इन्हें गुस्सा आने के बाद ये अपने सामने आने वाले लगभग हर किसी जीव पेड़ पौधों को कुचल देते थे। और इनके खतरनाक सींग किसी भयानक हथियार से कम नहीं है।
ये लगता क्यूट है पर ये काफ़ी ख़तरनाक है। इसके गुस्से, ताकतवर शरीर और तेज़ खतरनाक सींगों से मेरे हिसाब से तो हाथी इसके सामने कुछ नहीं है। नंबर 10, डिमॉर्फोडॉन। डिमॉर्फोडॉन भी एक टेरेनोडॉन की तरह उड़ सकता है और ये भी डायनासोर नहीं है, ये एक टेरोसोर है। ये भी उस डायनासोर के ज़माने में रहते थे और फिर उस भयानक तबाही में इनका भी खेल ख़त्म हो गया। इनका वज़न लगभग 2 किलो और पंखों का फैलाव 2 मीटर तक होता था। अब इनके खतरनाकपन के बारे में मैं आपको क्या बताऊं? इनके पास काफ़ी ख़तरनाक पंजे, तेज़ खतरनाक दांत वाला मुंह और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात, ये उड़ सकते थे। आप ये मान सकते हो कि ये एक खतरनाक उड़ता हुआ भेड़िया था। नंबर 9, कार्नोटोरस। जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सिर पर 2 सींग है, काफ़ी ख़तरनाक तेज़ दांत वाला मुंह भी है। इस डायनासोर की सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि ये काफ़ी तेज़ थे और मांस खाते थे, इसीलिए दुश्मनों और शिकार पर ये बहुत ही ज़्यादा हमला करते थे। सामने वाले को मारना और उसे खा जाना इनका काम था। डायनासोर की मूवीज़ में इसे जहाँ भी दिखाया गया है ये वहाँ पर सबको मारते दिखा है। ये काफ़ी बड़ा डायनासोर था, इनका वज़न 2100 किलो तक होता था, 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ता था और इनके मुंह में कुल 62 तेज दांत हुआ करते थे। ये एक जीता जागता राक्षस। वैसे आगे आने वाले डायनासोर और भी ज़्यादा खतरनाक है। नंबर 8, बेरियोनिक्स। बेरियोनिक्स काफ़ी अच्छा शिकारी डायनासोर था। इसका वज़न 1700 किलो और लंबाई लगभग 10 मीटर तक होती थी। ये कार्नोटोरस से बड़ा और टीरेक्स से छोटा डायनासोर था। इसके मुंह में कुल 96 दांत हुआ करते थे जिनसे ये शिकार के मांस को आसानी से नोच सकते थे। डायनासोर के ज़माने में ये वहाँ पाए जाते थे जहाँ आज यूरोप और अफ्रीका है। इस डायनासोर का मुंह काफ़ी लंबा था तो कुछ विशेषज्ञ इसे मगरमच्छों से मिलता जुलता मानते थे। और हाँ, ऐसा हो सकता है शायद ये डायनासोर के ज़माने से कुछ समय पहले मगरमच्छ के जैसे दिखने वाले जीवों से विकसित हुआ हो। पता नहीं उस ज़माने में नेचर का मूड कैसा था, लगभग सारे जीव खतरनाक थे, किसी की भी शक्ल ढंग की नहीं थी, सब एक दूसरे को मारने पे तुले रहते थे। और सोचो तुम जब ये इतने बड़े थे तो फिर पेड़ पौधे कितने बड़े होंगे। नंबर 7, एल्सोरस। एल्सोरस बेरियोनिक्स से थोड़ा बड़ा था आकार में और ज़्यादा खतरनाक भी था। ये 55 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे और लंबाई लगभग 38 फीट और ऊंचाई लगभग 16.5 फीट, और इनकी खोपड़ी का आकार लगभग 3 फीट था। इनके दांत 4 इंच लंबे और बहुत तेज थे। ये पता है क्या करते थे? उस ज़माने में जो लंबी गर्दन वाले डायनासोर थे ना, उन्हें हम सॉरपोड्स कहते हैं, उन्हें ये मारते थे और फिर बड़े आराम से दावत का लुत्फ उठाते थे। ये काफ़ी समझदार भी थे। ये किसी दूसरे बीमार या कमज़ोर डायनासोर पर तुरंत हमला करते थे क्योंकि वो काफ़ी हद तक आसान शिकार थे। एल्सोरस काफ़ी डरावना घातक शिकारी था। इसके दांतों के निशान एप्टोसोरस की हड्डियों पर पाए गए हैं। नंबर 6, वेलोसी रेप्टर। अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी नहीं देखी है तो देख लेना, ये वाला डायनासोर आपको वहाँ दिख जाएगा। ये वही डायनासोर है जिसे क्रिस पेट ने ट्रेंड किया था। दरअसल वेलोसीरेप्टर काफ़ी समझदार डायनो थे, ये सच में काफ़ी स्मार्ट थे। जैसे अगर आज के जीवों से हम इनकी बुद्धिमानी की तुलना करें तो आप इसको खरगोश के साथ कंपेयर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ बुद्धिमानी के मामले में नहीं। तो खतरनाक तो ये इतने थे कि खरगोश तो इनके सामने 0 के बराबर भी नहीं है। ये आज से लगभग 7 करोड़ साल पहले इस धरती पर विचरण करते थे। नंबर 5, इंडोरेप्टर। ये डायनासोर असली नहीं है, इसे जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम मूवी में दिखाया गया है। फिल्मों में तो इसे काफ़ी खतरनाक बताया गया था। वैसे ये असली नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ ऐसा खास कह नहीं सकते कि ये कितना खतरनाक है, पर उस मूवी में इसे काफ़ी पावरफुल, इंटेलिजेंट और ख़तरनाक बताया गया है। उस मूवी में इसे किसी को भी मारने के लिए बनाया था, पर इसको बेचे जाने से पहले ही इसने पिंजरा तोड़ दिया और बहुत ही खतरनाक तरीके से लोगों पर हमला किया और बहुत ज़्यादा तबाही भी मचाई। वैसे मैं इस डायनासोर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये वाला डायनासोर काल्पनिक है। मैंने इसको यहाँ ऐड किया क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर इंसान इन डायनासोर को फिर से बना लेता है तो ये क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 4,
टायरेनोसोरस रेक्स उर्फ टीरेक्स। आप में से लगभग 80% व्यूअर्स ऐसे हैं जो सिर्फ इस डायनासोर का इंतजार कर रहे थे। टीरेक्स के दीवानों की जहां कोई कमी नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि टीरेक्स इस धरती पर चलने वाला अब तक का सबसे खतरनाक, क्रूर और ताकतवर जानवर था। इसका वाइट फोर्स लगभग 12,800 PSI तक होता था। इसका वजन 8,000 किलो और ऊंचाई 6 मीटर तक थी। ये 27 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ते थे। लगभग 30 साल की उम्र तक जीते थे। टीरेक्स उस जमाने में फूड चेन का टॉप शिकारी था। सभी जानवरों में सिर्फ इसका खौफ रहता था। ये डायनासोर्स के राजा के नाम से भी जाना जाता है। टीरेक्स का कोई भी डायनासोर शिकार नहीं करता था। इसका शरीर काफी मजबूत था, जिससे ये दूसरे बड़े डायनासोर से बड़े आराम से काफी देर तक लड़ लेता था। टीरेक्स से भिड़ने की ताकत सिर्फ स्पाइनोसोरस में थी, लेकिन वो भी इसे मार नहीं सकता था। नंबर 3, स्पाइनोसोरस। अगर टीरेक्स जुरासिक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जमीन पर रहने वाला जानवर है, तो फिर स्पाइनोसोरस का नाम टीरेक्स से पहले क्यों आता है? दरअसल इसके आकार में थोड़ा सा अंतर है। स्पाइनोसोरस टीरेक्स से थोड़ा बड़ा, गर्दन काफ़ी लंबी और ज़्यादा बड़ा मुंह भी है। शरीर के ऊपर लगभग 5.5 फीट लंबे फिन्स भी निकले हुए हैं। स्पाइनोसोरस आसानी से पानी में तैर भी लेते थे। ये पानी और ज़मीन पर शिकार करते थे। उस जमाने में अगर ज़मीन पर रहने वाले डायनासोर्स की बात करें, तो स्पाइनोसोरस की बराबरी सिर्फ टीरेक्स ही कर सकता था, और टीरेक्स की बराबरी करने वाला सिर्फ ये स्पाइनोसोरस था। टीरेक्स का बाइट फोर्स स्पाइनोसोरस से ज़्यादा था और ज़्यादा मजबूत शरीर भी था। इसीलिए टीरेक्स सभी डायनासोर का किंग था। पर जो सबसे ज़्यादा शिकार और तबाही मचाते थे, उनमें स्पाइनोसोरस टीरेक्स से भी आगे था। स्पाइनोसोरस ज़्यादा क्रूर, भयानक और सब कुछ तहस नहस करने वाला डायनासोर था। अगर आपने कभी जुरासिक पार्क 3 देखी है, तो उसमें स्पाइनोसोरस डायनासोर भी आता है। वहाँ आप इसके भयानकपन को देख सकते हो। वहाँ स्पाइनोसोरस और टीरेक्स के बीच भयानक लड़ाई भी होती है। नंबर 2, मोसासोरस। इस डायनासोर को मैंने नंबर 2 पर रखा है। जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज में ये दूसरा सबसे खतरनाक डायनासोर है, और हाँ, ये टीरेक्स और स्पाइनोसोरस से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक है। शायद ये ज़मीन पर राज कर सकता था, पर ये पानी में रहता था। और हाँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कोई मगरमच्छ था उस जमाने का, पर सच्चाई कुछ और है। बहुत से विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये सांपों और मॉनिटर लिजर्ड से ज़्यादा मिलता जुलता है, इसीलिए हम इसको मगरमच्छ नहीं बुला सकते। लेकिन ये मगरमच्छ से कई गुना ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक था। वैसे आपने जुरासिक वर्ल्ड में देखा ही होगा कि किस कदर ये शार्क को एक झटके में खा जाता है। शायद उस शार्क से तो इसका नाश्ता भी नहीं हुआ होगा। इसका बाइट फोर्स 13,000 PSI से 17,000 PSI के बीच था। ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि उस डायनासोर के बारे में इतना कुछ खास कहा नहीं जा सकता। वैसे ये मेगलाडोन के सामने कुछ भी नहीं है। मेगलाडोन मोसासोरस को मारकर खा सकता, क्योंकि उसका बाइट फोर्स लगभग 40,000 PSI के आसपास है। ये बाइट फोर्स इतना है कि वर्तमान में जितने भी जीव इस धरती पर रहते हैं, वो इस फोर्स से बच नहीं सकते। तो क्या लगता है आपको, कौन है नंबर 1 पर? अब सभी खतरनाक डायनासोर्स को तो हमने शामिल कर लिया है, फिर अब बचा कौन है जो इन 14 डायनासोर से सबसे ज़्यादा खतरनाक है? तो उस डायनासोर का नाम है इंडोमिनस रेक्स। तो दरअसल फैक्ट ये है कि ये वाला डायनासोर असली नहीं है। जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज में इस डायनासोर को टीरेक्स और वेलोसीरेप्टर के बीच क्रॉस करके बनाया था। मतलब इस डायनासोर में इन दोनों की ताकत थी, पर फिर भी ये मोसासोरस के बराबर ताकतवर नहीं था। पर मोसासोरस से ज़्यादा भयानक, क्रूर और ख़तरनाक था। किसी से भी नहीं डरता था, सीधा हमला करना, ये सब इसकी खूबियाँ थी। जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइज में ये डायनासोर सबसे खतरनाक और डेडली था, और इसीलिए ये नंबर 1 पर है। वैसे आपके हिसाब से नंबर 1 पर कौन होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए एनिमल टीवी हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, और इन डायनासोर के लिए 1 लाइक तो बनता है ना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।